तो क्या आपका फ़ोन हैंग होने लग जाता है? फ्रेम रेट्स काफ़ी लो आते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आपके लिए ही लेके आ गया हूँ मैं ये वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको इसमें आपका सॉल्यूशन मिल जाए तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं गेम वाला यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है सत्यम, और चलिए शुरू करते हैं। यहाँ दोस्तों, उसके बाद आपको अपना कोई सा भी गेम ओपन कर लेना है जो हैंग हो रहा हो। मैं यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेम को ओपन कर ले रहा हूँ। उसके बाद इसे ओपन करने के बाद इसकी गेम की सेटिंग में जाना है। गेम की सेटिंग में क्लिक करने के बाद आपको जाना है ऑडियो एंड ग्राफिक्स में, और यहाँ से आपको ग्राफिक क्वालिटी आपकी जो भी रही हो, वेरी हाई, हाई, मीडियम, आपको लो कर लेना है इसको। उसके बाद फ्रेम रेट्स को आप हाई रहने दे सकते हैं या फिर आप इसे मीडियम भी कर सकते हैं। अब बाकी नीचे की जितनी भी चीजें हैं उस सब को ऑफ कर दें, डेप्थ और फील्ड भी ऑफ कर दें, बाकी सब वैसे ऑफ हो जाएगी ग्राफिक क्वालिटी कम करने पे। यहाँ दोस्तों, उसके बाद इसे आपको सेव कर देना है, और यहाँ पे एक ये काम हो गया है। उसके बाद अपने दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर में, और यहाँ पे आपको जाना है सेटिंग्स में, और यहाँ से ऑटो अपडेट ऐप पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है डोंट ऑटो अपडेट एप्स। यहाँ दोस्तों, इससे भी फर्क पड़ता है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब हम चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। उसके लिए आपको सेटिंग में क्लिक करना है, और यहाँ से सर्च बार पे क्लिक करें सेटिंग के अंदर आकर, यहाँ आपको सर्च करना है, और यहाँ पे आपको टाइप करना है बैटरी। उसके बाद जाना है फोन बैटरी यूजेज में, फोन बैटरी यूजेज में क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे, आपको यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस मोड मिलेगा, उसे आपको इनेबल कर लेना है, और उसे इनेबल करने पे आपको एक वार्निंग मिलेगी कि योर फोन विल रन एट हाई परफॉर्मेंस दैट विल इंक्रीज बैटरी कंजप्शन एंड कॉज योर फोन टू हीट अप। जी हाँ दोस्तों, ये तो होता ही है। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक के पास। तो उसके लिए भी आपको जाना है अपने फोन की सेटिंग में, और यहाँ पे आपको ढूंढना है अबाउट फोन में जाना है। यहाँ से अबाउट फोन में क्लिक करने के बाद आपको ढूंढना है बेस बैंड एंड कर्नल, मेरा राइट साइड में, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको बिल्ड नंबर पे 3-4 बार क्लिक करना है। उसके बाद डेवलपर ऑप्शन खुल जाएगा, मेरा हाँ ऑलरेडी ओपन है। उसके बाद यहाँ से डेवलपर ऑप्शन खुलने के बाद आपको जाना है अपने एडिशनल सेटिंग में, या आप इधर भी ढूंढ सकते हैं अगर आपके फोन में बाहर ही होता हो तो। मेरे में इधर एडिशनल सेटिंग में है डेवलपर ऑप्शन, इधर आपको दिख जाएगा, इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको सर्च करना है 4XMSAA, वो एकदम लास्ट में ही मिलता है, ये रहा 4XMSAA। जी हाँ दोस्तों, इसको इनेबल कर लेना है, इसके बाद आपके फोन की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। इसके बाद भी अगर गेम लैग करा आपके फोन में तो आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है गेमर बॉक्स, जो प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा, लेकिन मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहां से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसे इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, गेमर बॉक्स इंजन, आपको परफॉर्मेंस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस मोड को इंटरएक्टिव पे कर लेना है डिफॉल्ट से। उसके बाद रेजोल्यूशन को आपको यहाँ पे 480p पे कर लेना है, आप देख लेंगे सेटिंग मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।